उठायो पिने बीज धना को खेत खूब ने बिजायो नरसी को बन्यो मुनि में भात पहरायो भाई एक जना की बात लड़े दो भक्त और भगवान भगत हरि से बटे युद्ध में जीत गए हनुमान देवन में सबसे बड़ो कौन बतलाओ सुन बात इंद्र की सनी देव न्यो बोले देवन में सबसे ऊंचा बनवा डोले सनी देव खड़े हो जाते हैं और क्या कहते हैं क्या कहते हैं भैया मोकू जाने दुनिया सारी मैं हूँ बहुत बुरी बीमारी जेब में चल जाए मेरो ढैया बाकी छोड़े में डुबा दूं नैया मैं कर दूं गृहस्थी योगी और योगी को कर दूं भोगी मैं तन के दृष्टि कर पत्र मैं तन के दृष्टि कर पत्र पहुंच जाऊं दरवाजा पे तो आप छत्र भंग कर दूं वो भीख मंगवा दूं लाला पे मेरे डर की वजह से दुनिया के लोग ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हैं और कहते हैं हमसे शनि देव का ग्रह तो नहीं आ गया मेरे नैया की वजह से तीनों लोग कांपते हैं फिर बताओ मेरे से बड़ा देवता कौन है इतनी बात सुनकर के नारद जी खड़े हो जाते हैं और क्या कहते हैं भाई सुन के इतनी बात ऋषि नारद ने नैन हलाई और सुनो इंद्रिया सनी देव ने फिर था बात बनाई अपनी झूठी करी बढ़ाई आपको कनक शर्म नहीं आई सुन लो देव स्वर्ग का दासी तुमको बात बताऊं साची सकल अमंगल मूल नकंदन शंकर सुगंध केसरी नंदन जो तुम हो सुसाची पूछो तुम वो पूतो हनुमान लगे है सब देवल में ऊंचो शिव को अंश अंजनी को जायो रम पूजान मगर फल खायो नारद जी ने कहा महाराज हनुमान जी ने भगवान राम का कितना सहयोग दिया सीता का पता लगाने के लिए समुद्र पार करके एक ही छलांग में लंका पहुंच गई और हनुमान जी लंका में पहुंच कर लंका को जला रहे थे तो हनुमान जी ने लंका में क्या देखा कूद समंदर गयो जाए सीता को पता लगायो लंका में मिलो सनीसर हनुमान को पायो ये पकड़ सनीसर रावण ने लंका में ओंदो गाड़ो जब दुनिया भणी को डोलो या को भूखो प्यासो पाटो हनुमत लंक जला तो आयो और कर ऊपर ऊपर फेर सनीसर चढ़ा देख में पायो पहले याकी बंद छुड़ाई फिर सागर में पहुंच बुझाई अब या बने सवन सू सूचो और मेरी नहीं मानो तो तुम या सनी देव सुई पूछो
नीचे नहर सनी सर कर गो वाको एकदम हीरो पजड़ गो ते बाद गो मुनी सुगाणी और भरी सभा में या नारद ने मेरी जैत बिगाड़ी। सोने की लंका बनी बता बंदर ने कब जाड़ी, या नारद बोले झूठ पड़ी मेरी दृष्टि से काड़ी। महाराज इंद्र जब हनुमान जी लंका जला रहे थे, एक भवन से दूसरे भवन पे छलांग लगाई तो बीच में रावण ने शनि देव को औंधा गाड़ रखा था। इसके दोनों पैर ऊपर को थे, हनुमान जी के पैरों में फंस गए। हनुमान जी ने स्पर्श किया, मालूम हुआ कोई मानव है, इसको मिट्टी में से निकाल के सीधा किया। पूछा, भैया तू कौन है? तो बताया शनि देव ने, मैं हनुमान जी शनि देव हूँ, मैं तेरा जीवन भर एहसान मानूंगा। रावण ने मुझे पकड़कर ऊंधा गाड़ दिया था, तेरा जो नाव भी लेगा उसकी तरफ मैं आंख उठा के नहीं देखूंगा। और आज ये कह रहा है मैं ऊंचा हूं, ये ऊंचा कैसे है? शनि देव इसका जवाब तो नहीं दे सके, लेकिन दूसरी बात कह रहे, ये नारद भी तो झूठ बोल रहा है। कहता है हनुमान लंका को जला रहे थे, लंका कहीं जलती है क्या? लंका तो सोने की है, सोना जलता नहीं है। सोने को जब अग्नि से तपाया जाता है तो सोना चमकता है। हनुमान लंका जला रहे, लंका तो चमक रही थी। शनि देव कहता है वो तो मेरी नजर से मेरी दृष्टि से काली पड़ी थी। नारद जी ने कहा, महाराज चोर पकड़ में आ गया, ये खुद कह रहा है कि मेरी दृष्टि से काली पड़ी थी। शनि देव से पूछो तू दृष्टि डालने लंका में क्यों गया? क्या तुझे हनुमान जी साथ लेके गए थे? इससे सिद्ध हो रहा है कि हनुमान लंका जला रहे जब शनि देव वहां मौजूद थे। कहने का मतलब, नारद ने शनि देव को छोटा और हनुमान जी को बड़ा सिद्ध कर दिया। नारद जी खड़े होकर जाते हैं, एक बीगर आदमी का सभा में अपना अपमान हो जाए, तू बैठ जा झूठ बोल रहा है, उसको कितना दुख होता है। शनि देव ने सोचा, आज नारद जी इस सभा में नहीं होते तो सबसे बड़े देवता का साफा मुझे बन जाता, लेकिन नारद जी ने मेरी प्रभुता में टांग अड़ाई है, दखल दिया है, मैं मेरे अपमान का बदला नारद जी से लूंगा। लेकिन सज्जनों एक दृष्टांत है। कहते हैं किसी आदमी पे शनीश्वर का ग्रह आ गया, वो आदमी चतुर चालाक था। पंडित जी के पास गया, पूछने लगा, ज्योतिषाचार्य जी देखना मेरा कैसा समय निकल रहा है। आचार्य साहब ने बताया तेरे पे शनि देव का ढैया है। वो आदमी चतुर चालाक था, गिड़गिड़ाकर पंडित जी के पैरों में गिर गया, रोने लगा, हाथ जोड़ने लगा, पंडित जी मुझे शनि देव से बचाओ, ये तो बड़ा टेढ़ा बहुत वक्र ग्रह है, मुझे बर्बाद कर देगा। जब रोने लग गया तो पंडित जी को दया आ गई, बोले चिंता मत करे, कोई थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, बाजार से सामग्री आएगी और मैं ग्रह शांत कर दूंगा। फिर रो करके पंडित जी के पैरों में गिर गया, बोले अब क्यों रो रहा है? बोले पंडित जी इसलिए रो रहा हूं कि सामग्री को पैसे नहीं है मेरे पास। तो बोले रोवे मत, मैं मेरी जेब से लगा दूंगा, तुम बाद में दे देना। फिर रोने लग गया, बोले अब क्यों रो रहा है? बोले पंडित जी बाद में भी नहीं लगेंगे। तो बाद में भी नहीं लगेंगे, तेरे कोई भैंस बकरी हो तो दूध दे देना, बोले खूंटा पे खोज भी नहीं है। बोले बच्चे हो तो मेरे काम पे भेज देना, बोले बच्चे भी नहीं है। बोले घरवाली हो तो खाना बना ले आएगी, उसी में भरपाई कर लूंगा, बोले घरवाली भी नहीं है। तो पंडित जी ने कहा, आने दे शनीश्वर को, तू क्यों तरवाता है? तेरा शनीश्वर क्या करेगा? तू तो खुद ही ढैया बैठा है, तो उसे तो शनिदेव भी करेगा। तो नारद विचार करते हैं, शनि देव विचार करते हैं, नारद से बदला तो लूं, लेकिन बदला कैसे लूं? वो तो खुद ही ढैया है, ऊंटा पे खोज नहीं है, बच्चे नहीं, घरवाली नहीं है, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ एक बात मुझे याद आई, नारद का तो मैं नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन नारद के एक चेला है, एक शिष्य है राजा चंद्रकेतु।
चंद्र केतु से नारद जी बहुत प्रेम करते हैं।